हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हे सॉल्यूशन वीडियोस। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाइलाइट्स। तो सबसे पहले जो लोग भी चैनल पे नए आ रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। तो यहाँ पे मैं तीन चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, लॉरियल का ऑक्सीडेंट जिसको बोलते हैं हम 40 वॉल्यूम या 12%, और सेकेंड हम यूज़ कर रहे हैं वेला कंपनी का वेलाप्लेक्स नंबर वन, और इसमें जो शॉस्कोफ का हम यूज़ कर रहे हैं ब्लोंडर इगोरा नाम से। तो तीनों अलग अलग ब्रांड है, तीनों में मिक्स करके आज आपको दिखाने वाला हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे वीडियो के नीचे कि सर ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास अलग अलग हो तो क्या हम इंटरमिक्सेबल कर सकते हैं, तीनों को मिला के काम कर सकते हैं? यस, आप लोग इस तरीके से भी हाइलाइट्स कर सकते हैं। आपने देखा कितना अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, मैंने जो पिक्चर अपलोड किया उसी का आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। पहले मैंने इगोरा का ब्लोंडर डाला 30 ग्राम, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1:2 का रेशो रहेगा। तो ऑक्सीडेंट हम डालेंगे 40 वॉल्यूम जो है वो है डबल, तो कितना होगा 60 ग्राम, एक एग्जाम्पल है। ओके, इसको ये फिक्स मत समझ लेना कि मैंने अभी इतना यूज़ किया, और उसमें 30 और 60 हो गया आपका 90 ml। उसमें हम 5 ml लेंगे वेलाप्लेक्स। हमेशा ब्लीचिंग प्रोडक्ट जब भी आप यूज़ करते हो, प्री लाइटनर जब भी आप यूज़ करते हो, उसको आपको वेलाप्लेक्स को ज़्यादा लेना होता है ताकि आपके क्लाइंट के हेयर डैमेज ना हो। तो यहाँ पे ये जो हमारे क्लाइंट हैं, इनके ऑलरेडी बाल आप देख रहे हो हाइलाइटेड हैं, बट जो बाल ग्रोथ हो चुके हैं, मुझे दोबारा से कलर करना है उनमें, तो एकदम हेयर अलग दिखने चाहिए। अभी देख रहे हो आप रूट्स और एंड्स ऑलरेडी हाइलाइट्स हैं, बट रूट से ग्रोथ हो चुकी है, तो हम उसको किस तरीके से करने वाले हैं। मैं पहले सबसे पहले 4 सेक्शन डिवाइड कर लेंगे हम, 4 सेक्शन डिवाइड कर लेंगे हम। तो ये सारा रीग्रोथ है, आप देख रहे हो 2-2 इंच 2.5 इंच का रीग्रोथ है इनके पहले से। तो ये आई थिंक किए हुए मुझे हो गए 6 महीने से थोड़ा सा कम, 5 से 4 महीने हुए हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँगा जो बालों में हाइलाइट्स है वो सेक्शन हम इसमें ऐड बिल्कुल नहीं करने वाले। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े से बाल अभी हाइलाइट्स हैं, ये भी नहीं चाहिए मुझे, इससे ऊपर वाला लेंगे हम। हाइलाइट्स वाला सेक्शन अलग निकालेंगे, बाकी जो बाल है उसमें वीव्स निकालेंगे, और फिर उसमें देखिए ध्यान से बैक कॉम करेंगे। बैक कॉम करने के बाद मैंने बोर्ड के ऊपर अपने फॉइल को लगाया, फोल्ड किया, यहाँ पर मैंने रखे हेयर, और जो मेरा प्रोडक्ट है उसको लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैं अभी यहाँ पे रैंडम सेक्शन लेके रैंडम तरीके से हाइलाइट्स करने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं भी आती ना वो भी ये कर लेंगे, इतना इजी है। तो अभी मैंने अच्छे से बालों पे प्रोडक्ट लगाना स्टार्ट किया। आप ध्यान से देखते रहिएगा, प्रोडक्ट जितने अच्छे से लगेगा ये बालों में रिजल्ट उतने अच्छा आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है हमेशा कि हमारा जो प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए, आराम से होनी चाहिए। मैं आपको बताने वाला था कि जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन, जिनको सीखना है घर बैठे, तो आपको इसी नंबर पे मेरे नंबर पे फ़ोन करना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा डिटेल बता पाऊँगा। ओके, यहाँ पे मैं सेक्शन बाय सेक्शन देखूँगा जहाँ पे ज़रूरत है। अभी मैंने देखिए एक नीचे सेक्शन लिया, एक ऊपर ले लिया, तो रैंडम सेक्शन ले रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर वो शेप चाहिए या पर्टिकुलर हेयर ही उठाने हैं, मुझे वो बाल उठाने हैं जहाँ पे हाइलाइट्स बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ओके, तो इसको इसी तरीके से मुझे लगाना है। यहाँ पे इसी तरीके से सेक्शन लेते जाएंगे, डायगोनल रैंडम सेक्शन, और हाइलाइट्स में अप्लाई करते जाएंगे। मैं एकदम रूट्स के पास नहीं लगा रहा हूँ, जो मैंने बैक कॉम किया है उन बालों पे भी मुझे प्रोडक्ट नहीं लगाना है, क्योंकि बैक कॉमिंग करने का मीनिंग है आपका अनइवन लुक आए, एकदम वो स्ट्रेट पॉकी जो बोलते हैं हाइलाइट्स ना दिखें। ओके, यहाँ पे हम प्रोडक्ट लगा रहे हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद फोल्ड कर देंगे। मैं बात कर रहा था ज्वाइनिंग की, ज्वाइनिंग में हम क्लासेस लेते हैं। ये प्रोडक्ट है हमारा जो आज यूज़ किया हमने, इगोरा शॉस्कोफ का ब्लोंड सुपर प्लस, वेला का वेलाप्लेक्स बोन मेकर, एंड लॉरियल का ऑक्सीडेंट 40 वॉल्यूम।
तो क्लासेस के बात कर रहा था, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं वो हमें कॉल करके पूछ सकते हैं, सर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी हद तक कलर के जो थ्योरिकल क्लासेस है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करूँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा, सब सारी चीज़ें कैसे करनी है। आप लोग मुझे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो फ़ोन करके, अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो। ओके, और जो भी अपकमिंग नेक्स्ट लाइव क्लासेस रहेंगी उसके लिए आपको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ज्वाइनिंग की ज़्यादा फीस नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा लोग आएंगे सीखेंगे, दे विल गेट अ गुड थिंग, नई चीज़ें सीखने को मिलेगी उनको, ट्रस्ट मी। तो दोनों साइड आप देख रहे हो, मैं डायगोनल सेक्शन ले रहा हूँ, जैसे हम डायमंड में लेते हैं, सेम उसी तरीके से डायगोनल सेक्शन लेने हैं मुझे। अच्छे से प्रोडक्ट लगाना है, 2 बार 3 बार आप अप्लाई करो अच्छे से, जब तक बालों में अच्छे से प्रोडक्ट नहीं लगेगा कोई फ़ायदा नहीं है काम करके, क्योंकि वो रिज़ल्ट ही नहीं आएगा। और प्रोडक्ट कम मत लगाओ कभी भी, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट लगाओगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पे हाइलाइट्स का, हमने बैक का एरिया ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, देन आफ्टर दैट टॉप का एरिया। यहाँ पे मैंने फॉइल बढ़ा लिया है, ये काफ़ी अच्छी टेक्निक, आप देखिएगा। एक तो फॉइल बढ़ा होने से आपकी एप्लीकेशन इजी हो जाती है, एक ये खुलता नहीं है, गिरता नहीं है। मैंने एक फोल्ड किया, देन सेकंड फोल्ड किया, और राइट और लेफ्ट साइड से फोल्ड कर दिया। देखा आपने कितना इजी हो गया ये। मैं ऊपर भी बालों में इसी तरीके से बड़ा चौड़ा फॉइल लेके लगा रहा हूँ प्रोडक्ट अच्छे से, देन इसको यहाँ पे फोल्ड कर देंगे जैसे प्रोडक्ट लग जाता है। तो ये भी एक टेक्निक अच्छी है कि आप फॉइल पेपर है जो वो बड़ा रखें। ओके, यहाँ पे हम चेकिंग कर लेंगे बालों में कि इनके जो हमने प्रोडक्ट लगाया है वो आ चुका है या नहीं कलर। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमें 9 नंबर के लेवल के बाल जो हैं वो मिल चुके हैं। 9 नंबर तक हमने प्री लाइट करना था, वो हो चुका है। अगर थोड़ी देर और रखना है तो रख सकते हैं। अभी इसके बाद हम करेंगे इसमें डिपॉजिटिंग। कुछ लोग बोलते हैं हम इसमें ऐड करेंगे पॉलिशिंग, कुछ लोग बोलते हैं हम इसमें ऐड करेंगे कलर। तो जो एक राइट वे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइंट का करेंगे हेयर वॉश, शैम्पू चेयर पे बिठाएंगे, सारे फॉयल्स को पीछे लेके आएंगे और टॉवल लगाएंगे। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता है कि कैसे आपको क्लाइंट को बिठाना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है हेयर वॉश के अंदर। तो मैंने टॉवल लिया, क्लाइंट को बोला टॉवल पकड़ने के लिए दोनों साइड से, जितने भी हेयर्स हैं वो निकाल लेंगे हम। ये आप हाइलाइट्स देख रहे हो ना, तो ऑलमोस्ट कलर आ चुका है। उसके बाद लगाएंगे हम ये केप रहता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो टॉवल तक नहीं जाता है, या बालों में से पानी लग के आपके क्लाइंट के जो क्लॉथ है वो गीले नहीं होते। तो ज़्यादा हद तक ये मैं लगाता हूँ, शैम्पू केप बोलते इसको, यहाँ पे लगा देते ताकि पानी अंदर ना जाए। तो इसको खोल लेंगे, सारे बालों को खोल लेंगे अच्छे से। अब देखिएगा, कलर देखिएगा कितना अच्छा है। मैं ब्लीच को निकालना शुरू कर दूंगा, जस्ट सी इट, रिजल्ट अच्छा आया, पसंद आया अभी तक। इसको जब वॉश करके इसमें डिपॉजिंग करेंगे फिर आप देखना। तो इसको रिंस करते हैं, मैं अभी मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा लाइट है इस वजह से। 9 स्ट्रोक 3 वेला का, 20 वॉल्यूम वेला का, 6% बोलते हैं जिसको हम लोग, ये दोनों यूज़ करने हैं। इसका मैं रखने वाला हूँ 1:1 का रेशो। अच्छे से शेक कर लें अपना जो 20 वॉल्यूम है, 20 वॉल्यूम लिया मैंने 20 ग्राम, तो हम जो 9 स्ट्रोक 3 है वो भी लेंगे हम 20 ग्राम। इसको ओपन करना पड़ेगा, 20 ग्राम जितना मैं निकाल लूँगा ट्यूब। ध्यान से देखिएगा, जैसे ये ट्यूब निकल जाती है तो इसको हम मिक्स कर लेंगे, और फिर उस बालों में, गीले बालों में अप्लाई करेंगे शैम्पू चेयर पे। क्लाइंट के जो प्री लाइटन हेयर हैं उसमें ऐड करेंगे ये कलर,
जिसको बोलते हैं डिपॉजिटिंग करना। तो मैं ये भी बोल रहा था कि जिन लोगों ने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो कर लें। उसमें हम काफ़ी सारी अपडेट्स देते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो पेज लाइक नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तो जो भी अपकमिंग न्यूज़ है वो आपको नहीं मिल पाएंगी। ओके, और हमारा फेसबुक पे भी पेज है, उसको भी फॉलो करिए। और हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है करण लाइफ, उसमें मैं अपनी पर्सनल वीडियोस डालता हूँ। जिन लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ जाएं एंड फॉलो करें। सो आप लोगों को काफ़ी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा वहाँ पे। मेरे सेकंड चैनल का नेम है करण लाइफ। तो यहाँ पे जैसे ही रिंस हो जाता है, मैं क्रीम को हाथ में लेके बालों में लगाना हम स्टार्ट करेंगे। जहाँ जहाँ पे हाइलाइट्स किया हुआ है, अच्छे से डिपॉजिटिंग करना स्टार्ट करेंगे, मल्सीफाई करेंगे, बालों में अच्छे से क्रीम लगाएंगे। जैसे ही ये लग जाता है, जैसे ही ये लग जाता है, यू विल सी, मतलब इसका जो हमें एग्जैक्ट 9 स्टॉक 3 कलर चाहिए था वो इसमें आ जाएगा। हमको डिपॉजिटिंग करना है अभी, हमें जो कलर चाहिए डिज़ायर कलर वो आ जाएगा इसमें। जैसे ही ये लगाएंगे इसको मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स, 10 मिनट्स ज़्यादा बोल दिए मैंने, 5 मिनट्स जैसा रखना है आपको, और फिर रिंस कर देना है। और अगर आप यही कलर ड्राई में लगाते तो बाकी कलर थोड़ा सा ग्लो होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप ज़्यादा इसको ड्राई हेयर में मत यूज़ करें। ओके, यहाँ पे टाइमिंग हो चुका है, अब इसको हम कर लेंगे वॉश, इसको हम कर लेंगे वॉश। और मैं सबको बता दूं कि जिन लोगों ने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों की वजह से आज हम 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। और मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने जो भी प्रोडक्ट ख़रीदना है ऑनलाइन, तो हम वीडियो के नीचे हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बोलते हैं कि हमने लिंक्स डाले हुए हैं, आप जाके वहाँ से ख़रीद सकते हो। तो आज के जितने भी प्रोडक्ट हैं उसके लिंक्स मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगा। ओके, तो आप लोग जाएं उसको ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और ईजी है, मतलब ये कलर ट्यूब भी बता दूँगा, वेलाप्लेक्स भी, डिवेल्पर भी और ब्लॉन्डर भी, 20 वॉल्यूम भी और 40 वॉल्यूम भी, सबके लिंक्स में हैं इस वीडियो में। जिस जो जो हमने यूज़ किया उसका वीडियो में लिंक दे दूंगा। और वैसे भी जो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, ड्रायर है, सीज़र कॉम, कटिंग शीट, शैम्पू, एवरीथिंग मैंने उसमें ऑलरेडी लिंक्स डाले हुए हैं। अगर आपको पसंद आता है तो आप जाएं और ख़रीद लें। और इजी है ख़रीदना भी, आजकल अमेज़ोन पे और काफ़ी सारे ब्रांड हैं जहाँ पे जाके आप ख़रीद सकते हो। मैं तो मतलब ऐसे ही ख़रीदता हूँ समटाइम्स, जब कुछ चीज़ें आपके यहाँ पे क्या होता है कि नकली आ जाती है, तो उसमें प्रॉब्लम आती है बाद में रिफ़ंड करना या वापस करना, उसमें भी एक सीन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप रियल में जाके बाय करोगे, अगर आपको नॉलेज है कि असली है या नकली है, तो फिर जाके पता लगेगा आपको, तभी आप लाइव जाके ख़रीद सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन भी ख़रीदोगे, जो कलर ट्यूब्स है वो तो बंद आती है, वो तो रियल आएगी, और डेवलपर भी 20 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम सब असली आता है, उसमें नकली आने वाला कुछ है नहीं। सीज़र कॉम, ब्रशेस सब असली आते हैं, उसमें भी नकली नहीं बनता है। मेन ज़्यादातर बिकता है शैम्पू, तो शैम्पू नकली बनाते हैं, और स्पा जो है हेयर स्पा वो भी नकली बनता है, मास्क जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी हद तक नकली बिकता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें और उस चीज़ को पहचानें कि क्या असली है क्या नकली है, कैसे ख़रीदना है। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट का जो 9 स्टॉक 3 20 वॉल्यूम से लगाया था, 5 से 10 मिनट रखा था, हमने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं बेबीलिस का लॉरियल एक्सपर्ट शैम्पू, सॉरी बेबीलिस नहीं, लॉरियल का लिस अल्टीमेट हम करेंगे शैम्पू बालों में अच्छे से। जितना भी केमिकल अगर रूट्स में रह गया है या कहीं और रह गया है, तो उसको अच्छे से कर लेंगे हम शैम्पू।
देन उसके बाद जैसे ही शैम्पू हो जाएगा मास्क लगा के 10 मिनट तक छोड़ेंगे एंड देन हम इसको हेयर वॉश करके रिंस करके मास्क जो है क्लाइंट को ले आएंगे चेयर पे। एंड देन हम बालों को ड्राई करना स्टार्ट करेंगे, हाइलाइट्स हेयर को ड्राई करना स्टार्ट करेंगे, देखते जाना आप। बहुत ज़रूरी है, जब आप ड्राई करोगे अभी तक कलर का कोई रिजल्ट कुछ नहीं दिखेगा, गीले बालों में कभी भी बाल जो है कलर नहीं दिखता है। आप जब भी क्लाइंट को चेयर से उठाओ, ड्राई करके उठाओ और दिखाओ कि हमने ये कलर किया है, ये उसका रिजल्ट है। हम यहाँ पे लगा रहे हैं सीरम बालों में, सीरम लगाने के बाद थोड़े से पतले बाल हैं तो टेंगल्स हो सकते हैं, तो आराम से आपको टेंगल्स ओपन करने हैं, टेंगल्स खोलने हैं, देखते रहिएगा ध्यान से। हमने सीरम लगाना है अच्छे से, तो मतलब अभी तक जो है आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज़रूरी है, ताकि जो भी हम लोग वीडियो डालें उसके बारे में अगर नोटिफिकेशन चाहिए, आपको मैसेज आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप बेल का आइकन दबाएंगे जो कि वीडियो के सब्सक्राइब बटन के एकदम बाजू में होता है, तो अगर आप बेल का आइकन दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आज हमारा वीडियो आया है। और अभी मैं एक्चुअली खुद हूँ अहमदाबाद में, हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने हैं सोच रहा हूँ मैं, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ हमें मैसेज करें, कॉल करें हमारे नंबर पे जो कि इस वीडियो के ऊपर नंबर दिया हुआ है मैंने, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं मेरे से। जो लोग ज्वाइन करते हैं हम उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि कॉल मैं खुद ही उठाऊँगा और खुद ही रिप्लाई करता हूँ हमेशा। मैं कुछ वीडियोस का लिंक ऊपर राइट साइड में दे दूँगा और मेरे चैनल का लिंक भी दे दूँगा, जिन लोगों ने वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, और जो मेरी ओल्ड वीडियोस हैं, ओल्ड मतलब इसी साल की, बट अच्छी अच्छी वीडियोस काफ़ी हैं जो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं वो जाएं देखें और उसके बारे में समझें। हम यहाँ पे अभी बालों को कर रहे हैं ड्राई, आप देख रहे हो अभी पुराने और नए हेयर सारे बालों को हमने किया ड्राई। जितने पतले बाल होंगे ना, गीले बाल सुखाओगे पतले और गीले तो कभी भी नहीं सूखेंगे, उनको पहले अच्छे से ड्राई कर लो, 80% बालों को ड्राई कर लो, फिर पैडल ब्रश से सारे बालों में से टेंगल्स निकाल लो, तो टेंगल्स निकल जाएंगे, तब जाके उनको एकदम प्रॉपर ब्लो ड्राई करो। यहाँ पे मैं ब्रश से, राउंड ब्रश से और पैडल ब्रश से बालों को एकदम स्ट्रेट लुक दे दूंगा। क्लाइंट को कलर पसंद आया, अब देख रहे हो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, तो शी लाइक द कलर। हम बैक वाले हेयर्स भी उनको दिखाने वाले हैं, आपने भी वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना पिक्चर, और वो पिक्चर मैं एंड में भी डालने वाला हूँ ताकि आप लोग भी देख पाएँ कि हम क्या कर रहे हैं नया, डिफरेंट तरीके से सारे ब्रांड का मैंने अलग अलग सब कुछ लिया, यूज़ किया आपको दिखाने के लिए कि ये रिज़ल्ट कैसा आएगा, कि अगर आपके पास ब्लोंडर किसी और कंपनी का है, डेवलपर किसी और कंपनी का है और प्लेक्स किसी और कंपनी का है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें एक ही कंपनी की होनी चाहिए, आप इंटरमिक्सेबल भी कर सकते हो, काम उन्होंने वही करना है जो वो करते आते हैं, 20 वॉल्यूम वही काम करेगा, ब्लीच वही काम करेगी जो उसको करना है, और फाइबर प्लेक्स या वेला प्लेक्स या ओला प्लेक्स वही काम करेगा जो उसको करना है, ठीक है, तो आप इंटरमिक्सेबल कर सकते हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आज का फाइनल रिजल्ट आप देख रहे हो, अभी मैं इसकी कुछ पिक्चर्स है वो भी अपलोड करूँगा, पूरे बालों में कलर आ चुका है इनके, ऑलमोस्ट सारे बाल कलर्ड हो चुके हैं। सीधा कलर चेंज हुआ ना, पसंद आया आप लोगों को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट कर दें,
और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ये अगर आप वीडियो को पसंद करते हो और लाइक करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एकदम डिफरेंट दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए आप वेट करिए। आई थिंक इसी हफ्ते में मैं एक और वीडियो का प्लान कर रहा हूं आप लोगों को दूं। सो यू लाइक द वीडियो गाइस, पसंद आया? तो आज के लिए मैं इतना ही बताने वाला था टोटल कि हमने ये किया है और कैसे किया अलग अलग ब्रांड के साथ, और सब ब्रांड्स में करने के बाद एकदम अच्छे से रिजल्ट भी आया है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कमेंट कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। थैंक यू सो मच, फिर मिलता हूँ।